हेलो एवरीवन दिस इज एलेक्स स्मिथ वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के सेशन में तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर शिक्षक भर्ती का ये मुद्दा चला हुआ है साथ ही में जेबीटी का भी मुद्दा जो चला हुआ है तो इसी बारे में बात करेंगे एक नया अपडेट निकल कर आया है फैसला ये निकल कर आया है कि हिमाचल प्रदेश में अब जो शिक्षक भर्ती होगी वो बिना आर एंड पी नियमों के अनुसार जो है वो नहीं होगी यानी विदाउट आर एन पी नियमों के नहीं होगी आर एंड पी नियमों के अनुसार ही हिमाचल प्रदेश में शिक्षक भर्ती की जाएगी तो इसी के बारे में बात करेंगे बिना आर एंड पी नियमों में अब हिमाचल में शिक्षक भर्ती नहीं होगी इस प्रकार का ये हमारा अपडेट निकल कर आया है अब बात करते हैं अठारह सितंबर को तो अठारह सितंबर को जो है कैबिनेट के फैसले को लेकर शिक्षा विभाग ने लिखित आदेश जारी कर दिए हैं पैट के नियमितकरण के बाद हुए कोर्ट केस को लेकर सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है और फैसले के अनुसार पूर्व में हुई नियुक्तों को नियुक्तियों को जो है वो यथावत रखने का निर्णय लिया यानी जो पहले नियुक्तियां हो चुकी हैं उन्हें एज ए इज रखा जाएगा और 24 दिसंबर को जो है इस मामले में आगामी सुनवाई अभी तक होनी है फिलहाल तक ये फैसला है कि बिना आर नियमों के अनुसार जो है वो भर्ती नहीं होगी विदाउट आर नियमों की भर्ती नहीं की जाएगी सुप्रीम कोर्ट में प्राथमिक सहायक अध्यापकों के हक में फैसले के बाद सतारह वर्षों से नियमितीकरण की राह देख रहे तीन हजार दो सौ चौरानवे अध्यापकों के नियमितीकरण का फैसला सरकार ने 5 अगस्त की कैबिनेट बैठक में लिया था इनका नियमितीकरण एनसीटीई के मानकों और आरटीआई एक्ट आर एन पी नियमों के तहत करने के आदेश हुए थे निदेशक प्रारंभिक शिक्षा ने इन अध्यापकों के नियमतीकरण में नियुक्ति के वक्त एन सी टी आर टी एक्ट एवं आर एन पी नियमों को 10 अगस्त को लागू करते हुए नियमितीकरण के आदेश पारित कर दिए थे अनुबंध जे की याचिका की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निदेशक प्रारंभिक शिक्षा विभाग को सरकार के पाँच अगस्त के आदेश से छेड़छाड़ के मामले में जवाब तलब किया था इस आदेश को प्रदेश के जेबीटी अनुबंध शिक्षकों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है अठारह सितंबर की कैबिनेट बैठक में फैसला लेते हुए स्पष्ट किया गया कि पूर्व में हुई नियुक्तियों को यथावत रखा जाएगा और भविष्य में सभी नियुक्तियां जो है वो आर एन पी नियमों से ही होगी तो यही अपडेट था यही अपडेट निकल कर आया था सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला था सॉरी हाई कोर्ट ने हाईकोर्ट में जो है अनुबंध शिक्षकों ने जो है ये चुनौती दी थी और कैबिनेट बैठक में भी फैसला लेते हुए स्पष्ट किया गया था कि पूर्व की नियुक्तियों को एज एट इज़ रखा जाएगा और आगे आने वाली जितनी भी शिक्षकों की भर्ती होंगी वो आर एंड पी नियमों के अनुसार ही होगी तो यही था अपडेट आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाले सभी रेगुलर अपडेट जो हैं आप तक रेगुलरली पहुँचते रहें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर ए ब्राइट फ्यूचर